अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इजी कुक विद अस्मा। और आज मैं ट्रैवल करके मैनचेस्टर से ब्रैडफोर्ड जा रही हूँ। एंड वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम M62 एंड M62 एज द ऑनर ऑफ बीइंग द हाईएस्ट मोटरवे एट 1221 फीट। दिस सेक्शन ऑफ द मोटरवे एट जंक्शन 22 इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द यूके मोटरवे नेटवर्क एंड ऑल्सो दिस इज द हाईएस्ट रोड इन द यूके एज वेल। द highest road in the UK is M6. So now we have reached. तो अभी हम अंदर जाके देखते हैं कि आमना बाजी ने क्या क्या पकाया है। आमना बाजी जो है वो बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। हम उनके घर पहुँच चुके हैं, तो चलें आपको अब अंदर लेके चलते हैं और साथ ही आपको मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद कि उन्होंने क्या पकाया है। बाजी अभी बिरयानी मिक्स कर रही हैं और अभी और भी चीज़ें वो किचन में तैयार करेंगी, तो मैं अभी आपको किचन में भी लेके जाऊंगी और देखते हैं कि वहाँ ये क्या रेडी कर रही हैं। बाजी का फेसबुक पेज है नीना कुसीन के नाम से और इसकी स्क्रीनशॉट भी आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रही है, आप इनके पेज को लाइक करें। बाजी जो है बहुत ज़्यादा तकल्लुफ कर रही हैं और ये चांपे फ्राई हो रही हैं, यहाँ पर चिकन लेग्स फ्राई हो रही हैं। आपने इन्हें पहले स्टीम रोस्ट किया? ओके, तो मसाला घर का लगाया? हाँ। नमक मिर्च हल्दी लगाई? नमक मिर्च हल्दी और पेप्सी का नमक थोड़ा सा मैंने पेरी पेरी वाला टच किया जी, टच इसमें पेरी पेरी का है। और ये हमारी जो फेसबुक पेज है नीना कुसीन के नाम से, उनकी ये जो ओनर हैं वो बहुत बेहतरीन खाना पकाती हैं, आप इनके पेज को लाइक करें तो आप देखेंगे इनकी एक्सपेक्टिंग वहाँ पर। तो और आपके क्या क्या बनाया हुआ है जरा देखते हैं। बाजी कौन सा गोश्त बनाया आपने, जरा इसका नाम बताएं। ये मैंने बनाया है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, ओके, लैम ब्लैक पेपर, ये एक नई डिश है जो आज खाने को मिलेगी। और ये है बिरयानी, बिरयानी चिकन बिरयानी जी, ये बिरयानी है। और बाजी ने कोफ्ते भी बनाए हुए हैं, आज बहुत ज़्यादा तकल्लुफ किया क्योंकि उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और गुजरांवाला में इतना खाना ना बने तो हमारे शहर का नाम बदनाम हो जाता है, तो हमने उसका नाम ज़िंदा रखने के लिए 8-10 डिशें बनाई हैं। और ये बाजी ने वाइट सॉस पास्ता भी बेक किया है। आप इनके पेज पे जाएं और आप इनकी एक्सपर्टीज देखें, नीना कुसीन के नाम से फेसबुक पेज है और इस वीडियो के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप पेज को विज़िट करें और लाइक करें और उनको फॉलो करें। खाना बहुत ही ज़बरदस्त बना था और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और आई थिंक 2-3 दिन का खाना इकट्ठे ही खा लिया है, जो कि ख़ास तौर पे मुझे तो अभी मेरे ख्याल 2 या 3 दिन भूख नहीं लगेगी जितना बाजी ने खाना खिला दिया है। तो थैंक यू सो मच बाजी, आपने बहुत बेहतरीन खाना बनाया और हेवनली टेस्टी था। ख़ास तौर पर ये जो एंड पे हमें मीठा खाने को मिला जो कि चॉकलेट आइसक्रीम स्वर्ल केक था, जो बाजी ने भी शायद फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बना। इसके दरमियान में चॉकलेट आइसक्रीम थी जो कि काफ़ी फेवरेट होती हर एक की, तो इट वाज हेवनली टेस्टी। और ये आप उनके फेसबुक पेज को विज़िट करेंगे तो आपको उनकी बहुत सी बेहतरीन डिशेस वहाँ देखने को मिलेंगी। तो स्पेशल थैंक्स है नीना बाजी को, आप उनके फेसबुक पेज को लाइक करके थैंक यू कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ और किसी अच्छी रेसिपी के साथ आप मिलेंगे इजी कुक विद अस्मा के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और अब हम जा रहे हैं वापस। कोई कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया ओ साथी।